नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई से घी। और ये हमारी मलाई 6 दिन की मलाई है, इससे मलाई घी निकालेंगे। इस मलाई को हम जार में भरेंगे। इसे थोड़ी मिक्सी में घुमा लेंगे, पाँच छः सेकंड चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे। इसमें थोड़ा पानी भी डाल लेंगे, क्या है जार को घूमने में आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, जो हमने मिक्सी में हमने चला लिया है, जो घी हमारा निकल आया है, ऐसे घुमा के ऐसे निकाल लीजिए। अब जो 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 मलाई बची है, इसको भी मिक्सी में चला लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मलाई से हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया, जो हमने मिक्सी से पीस लिया है। अब इसे हम इसका पानी है जो मलाई के साथ जो दूध में चला जाता है, वो है जी पानी है वो, अब इसे निकाल लेंगे, पानी से अच्छे से धो लेंगे मक्खन को, जिससे कि स्मेल ना आए। अभी और अच्छे से धो लेंगे पानी डालकर। क्या यह खट्टी रखते रहो 4-6 दिन तक, तो क्या है स्मेल आने लगती हल्की हल्की। क्या इससे अच्छे से धुल लो पानी डाल के, तो स्मेल नहीं आती। वो अपन घी चाहे साल भर तक रखे रहेंगे तो ख़राब नहीं होगा अपना घी, इससे अच्छे से धुल लेंगे। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपका घी डबल निकलेगा। अच्छे से दबा दबा के ऐसे इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। इसका पानी पूरा निकल जाने देंगे। क्या है, अगर पानी रहेगा मक्खन में तो क्या फिर उससे पकने में टाइम लगेगा। अब इसे अब हम चूल्हे में रखकर अच्छे से पका लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पकाने के लिए इसे चूल्हे पर रख देंगे। आप स्टील के बर्तन में ना पकाएं, आप स्टील के बर्तन में घी जलता है, इसलिए आप एल्युमिनियम के बर्तन में या मोटे तवे के बर्तन में पकाएं। आप इसे चला चला के चलाते रहेंगे, क्या उफान ना आ जाए, इसमें उफला ना जाए। चलाते चलाते इसे पका लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा मक्खन पिघल चुका है, अब इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारा मक्खन खोलना शुरू हो गया है, अब इसे चलाते रहेंगे। अच्छे से पका लेंगे चला चला के ऐसे। अभी और पकेगा हमारा घी, अभी पका नहीं है। मैं आपको वो एक चीज डाल के बताऊंगी जिससे आपका घी डबल निकलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। देखिए दोस्तों, हमारा घी लगभग पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें घी में एक चीज डालेंगे जिससे कि अपना घी दोगुना हो जाए या घी कम ना जले ना घी। जिससे जे है वो चीज़, जे है डालेंगे हम, जे एक चुटकी जे है आटा, एक चुटकी डालेंगे इसको, ऐसे ज़्यादा नहीं डालना है, एक ही दो चुटकी डालेंगे ऐसे।
पकाएंगे इसको, अच्छे से पका लेंगे। लगभग पक के तैयारी हो गया है, थोड़ा और रह गया है पकने को। जे है हमारा नमक, इसको भी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, एक ही दो चुटकी डालेंगे। इससे क्या है, आप साल भर तक रखे रहोगे तो भी स्मेल नहीं घी में आएगी ना घी खराब होगा। अभी थोड़ा और हम पकाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा घी पककर तैयार हो गया है। और देखिए ये इसका कचड़ा अलग हो गया है, घी अलग हो गया है। घी पकने की यही निशानी है कि इसमें का कचड़ा अलग हो जाता है, जो अच्छे से घी पक जाता है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो अपना घी खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारा घी हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल देसी घी अपने घर का, जैसे पहले जमाने में घर पे हो जा पाता था वैसे ही लग रहा है। देखिए कितना कलर अच्छा आया है, देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गाय का घी हो। वैसे हम आराम से पूरा छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा घी निकाल कर तैयार हो गया हो चुका है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।